गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम अनंता दत्ता फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ डिप्लोमा सिक्स। इसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। चैप्टर वन में हमने कुछ कुछ टॉपिक्स प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स एंड ट्रेंड्स ऑफ आईटी कंपनीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स और ट्रेंड्स रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि एक इंडस्ट्री में, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो चीजें पढ़ेंगे, प्रॉब्लम और ट्रेंड्स। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होता है, मींस किसी भी चीज को, किसी भी कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिसके थ्रू कंपनी रन कर पाए। ठीक है, तो मैं आज ज्यादा डिटेल में आपको इंट्रो नहीं दूंगी क्योंकि मैंने इंट्रो का वीडियो बनाया था लास्ट प्रीवियस क्लासेस के, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फेसेस ऑफ आईएएस, फंक्शंस ऑफ आईएएस, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई थी। अब हम आज के टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक है जो भी हमको जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं आईटी कंपनीज में, जो भी हमको प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, जो भी हमको प्रॉब्लम्स आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज में, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि हम सिंपली बात करें, एक आईटी कंपनी है, तो एक आईटी कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, या यदि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन सर्विसेज की कुछ टास्क है, कंपनी रन कर रही है, तो आपके पास इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो यदि हम ये चीजों को ध्यान दें तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल इश्यू होता क्या है। टेक्निकल इश्यू मीन्स जैसे मशीन में गड़बड़ी, या आपका पीसी के थ्रू आप काम कर रहे हैं, मीन्स सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलने का मतलब है कि आपका जो भी काम होगा वो कंप्यूटर में ही होगा। तो यदि आपकी तकनीकी खराबी हो गई तो आप कैसे करेंगे, या तो ये हमारा हो गया टेक्निकल इश्यू। मीन्स जैसे कि एक्सपेंडिंग टेलीकम्युनिकेशन कैपेसिटी एंड एक्वायरिंग अ मीन्स ऑफ डिजास्टर बैकअप एंड रिकवरी एंड इट डिड नॉट एड्रेस ई मैनेजर इश्यूज सच एज डिपार्टमेंट इनकंसिस्टेंट ट्रैकिंग ऑफ यूजर रिपोर्टेड प्रॉब्लम्स विद दिस सिस्टम। मीन्स बहुत सारे इश्यूज है जो आपके आईटी कंपनीज में आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बैंक में हैं, बैंक में आपने कई बार सुना होगा कि बैंक में सर्वर डाउन है या समथिंग की काम नहीं हो पा रहा है, या कई बार हम यदि एक साथ मान लीजिए कोई फॉर्म आया है या कुछ नया चीज आया है इंटरनेट पे, तो हम एक साथ क्या करते हैं, सारी उस चीज को हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई फॉर्म आया एक साथ बहुत लोग फिल कर रहे हैं उस फॉर्म को, या कोई न्यूज आया तो उस न्यूज को एक साथ बहुत लोग इंटरनेट में एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके थ्रू क्या हो जाता है कि जहां से सर्वर उस चीज को आपको एक्सेस करने के लिए अथॉरिटी ले रहा है वो सर्वर ही डाउन हो जाता है। मीन्स होता कुछ नहीं है, वो सर्वर मीन्स क्या होता है, एक कहीं से एक डेटाबेस होगा जहां से हमको नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि जो भी चीजें रखी है वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस में रखी होगी, वहां से आपके कंप्यूटर में दिख रही है थ्रू इंटरनेट। तो क्या होता है कि यदि हम कुछ चीजें देख रहे हैं तो कंप्यूटर हैंग हो गया, वैसे सर्वर हैंग हो जाता है, तो हम उस चीज को बोल देते हैं कि सर्वर डाउन हो गया। तो इससे क्या होता है कि हम जो एक्सेस कर रहे थे वो वहीं पे अटक जाता है, हम कुछ फॉर्म फिल कर रहे थे अटक गया, पेमेंट नहीं हुआ, या क्या होता है कई बार जब हम पेमेंट प्रोसेस करते हैं हमारे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, ना ही फॉर्म भराता है ना ही कुछ होता है। तो ये जो सारी चीजें होती है ये हमारी आती है प्रॉब्लम्स के अंदर, मीन्स हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको ऑकर हो सकते हैं। ये आपके क्या हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे हम हमारा जो इंटरनेट है, सर्वर डाउन है, ये सारी चीजें हो सकती है, या फिर मान लीजिए कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, कंप्यूटर अचानक से डिस्प्ले
हट गया या और कुछ कंप्यूटर में टेक्निकल इश्यूज आ गए, टेक्निकल एरर्स आ गए हमारे कंप्यूटर में, जिसके की थ्रू क्या हो गया, हम डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये इन चीजों के कारण क्या होता है, इंफॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज है, जो आईटी इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या होता है कि दिक्कतें आ जाती है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ कोडिंग कर रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो गया या आपके सॉफ्टवेयर में कुछ माइनर से दिक्कतें आ गई या सॉफ्टवेयर का तुरंत में अपडेशन मंग दिया, जिसके के कारण क्या होता है कि जो हमारे जो हमारा पिछला जो हम करते रहते हैं कोडिंग या कुछ भी चीज उसमें काम करते रहते हैं, यदि हम उसका बैकअप नहीं रखते तो वो सारी चीजें भी हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। तो वो सारी चीजें हमारी डिलीट हो जाती है। या कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया या किसी थर्ड पर्सन ने कुछ हार्म कर दिया, जिसके के थ्रू आपके पर्सनल डेटा लॉस हो गए या डेटा की चोरी होना, डेटा थेफ्ट हो गया, ये सारी हमको दिक्कतें आती है। हम आगे देखते हैं, मैनी प्रॉब्लम इश्यूज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दिस आर सिक्योरिटी इश्यू लाइक मिसयूज ऑफ डेटा, वायरस वॉर्म्स क्रिएशन, डेटा प्रोटेक्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल एंड मीडिया। मीन्स क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे जो प्रॉब्लम और इश्यूज रहते हैं इंफॉर्मेशन के इंडस्ट्रीज में, वो कैसे होता है कि मिसयूज ऑफ डेटा, जैसे कि हमने अभी बात किया था कि कैसे डेटा का मिसयूज होता है, कि जैसे मान लीजिए डेटा किसी गलत हाथ में चले गया, या मान लीजिए कि कोई आया ऑफिस का जो वो पर्सन नहीं है पर उसने ऑफिस का डेटा एक्सेस कर लिया, या कहीं से उसने हैकिंग करके आपके ऑफिस की पर्सनल डिटेल्स जान ली, या आपके घर में आप है, आप घर में इंटरनेट चला रहे हैं, आपके पीसी को उसने हैक करके आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें उसने, जो भी हमारे कंप्यूटर में डेटा रहता है उस डेटा को उसने एक्सेस कर लिया। तो इससे क्या होगा, डेटा का जो हमारा डेटा है, हमारा पर्सनल डेटा है, तो या फिर किसी ऑफिस का पर्सनल डेटा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वो किसी गलत हाथ में चले गया तो डेटा का मिसयूज होगा। वो क्या कर सकता है, ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर है, क्या चीज है, वो किसी दूसरे कंपनी में या किसी और को वो चीजें बेच सकता है, जिसके की थ्रू क्या होगा, हमारा जो डेटा है, हमारे डेटा का मिसयूज हो जाएगा। तो यही सारी जो दिक्कतें आती है, फिर जैसे कि वायरस या वॉर्म क्रिएशन हो गया, हमारा डेटा हमारे पास प्रोटेक्ट रहे, जो हमारा आज डिजिटल वर्ल्ड हो गया उसमें हमारी डेटा जो है हमारे पास प्रोटेक्टेड रहे, ये जो है सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है आज के डेट पे। फिर आप देखें जैसे फ्रॉड हो जाते हैं, कई बार क्या होता है आपके पास मैसेज आता है कि इस आपको इतने की लॉटरी लगी है, या आपके पास आपके बैंक अकाउंट में आपको इतना बोनस मिला है, तो आप अपने पर्सनल डिटेल सेंड करें, आप पर्सनल डिटेल आपकी सेंड कर देते हैं उस नंबर में। तो ये सारी चीजें फ्रॉड के केसेस में आती है। मींस क्या हुआ, आपको किसी ने हल्का सा लालच दिया, आपने उसको सारी डेटा अपनी दे दी, इंफॉर्मेशन आपने दे दिया, और उससे क्या हुआ, उसने आपका डेटा से मिसयूज कर लिया, उसने उल्टा आपके बैंक अकाउंट से पैसे डालने की जगह निकाल लिए। तो जो ये सारी चीजें आती है, ये हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर में आती है। फिर जैसे कि हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इशू इन आईटी सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट एंड पुलिस कंसर्न, सम डिजाइन इशू प्रॉब्लम्स आर आल्सो इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट प्रोसेस चेंजेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट प्रोसेस चेंजेस, सॉफ्ट साइट डेवलपमेंट मॉडलिंग टेक्निक्स, सोशल नेटवर्किंग नॉलेज। मीन्स जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, आपकी फेसबुक की आईडी है या आपकी व्हाट्सएप है, जो चीजें किसी ने हैक कर लिया, आजकल बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, बट फिर भी यदि किसी ने आपके किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स या किसी चीज को हैक करके वो उस चीज का मिसयूज कर ले, तो वो क्या होगा, वो आपके नाम से चलेगा, बट आपके नाम से चलने के बाद भी आप नहीं जान रहे होंगे कि कब क्या हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें, जैसे गवर्नमेंट की कोई कोई साइट्स रहती है, गवर्नमेंट की अपनी प्राइवेट साइट्स है, उसे किसी ने हैक करके कुछ चीजें डेटा मिसयूज कर लिया, कुछ डेटा ले लिया, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, हमारा डेटा लॉस हो जाता है। देन इसके बाद हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
Industry includes scientific advancement as well as problem issues. Information technologies require high level of security, authentication, privacy while transferring data from one to different network. Information technology industry contains several issues which have resolved. मीन्स आपको क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए हम एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंडर है आपका, ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ठीक है. आपने यहाँ डेटा इन्फॉर्मेशन डेटा सेंड किया, यहां से डेटा गया, आपने यहां से यहां भेजा, आपने ए टू बी डेटा ट्रांसफर करने के लिए भेजा, बट बीच में कोई सी पर्सन है, बीच में कोई सी पर्सन है या कोई अनऑथराइज पर्सन है जिसने ये डेटा एक्सेस कर लिया. आपको क्या लग रहा है, आपका डेटा यहाँ गया पर डेटा चले जाता है यहाँ, जिससे कि क्या होता है, जो आप कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको भेज रहे थे वो डेटा कहाँ चले गया, आपका किसी अनऑथराइज यूजर के पास चले गया. और मान लीजिए इसने आपको रिप्लाई कर दिया, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि आपको किसने रिप्लाई किया, बी ने रिप्लाई किया, और आप यही मान भी रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो बी के पास गया. बट जो सी जो यहाँ पे अटैकर बैठा हुआ है, इसने क्या किया, आपका मैसेज अटैक कर लिया, रीड कर लिया, रिप्लाई कर दिया, और उसमें यदि कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो डेटा मिसयूज हो गया, जिसके पास तक पहुंचना था उनको इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं. तो जब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमको प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए कि यदि हम डेटा यहाँ से सेंड करें तो यहीं पे रिसीव हो. मीन्स हमको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, प्राइवेसी चाहिए कि हमारी चीजें हम जिनको भेज रहे हैं उन्हीं तक जाए. तो ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें को हमको सॉल्व करना है कि कैसे हम प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर ले. तो हमारे पास इतने सारे इश्यूज हैं, नंबर ऑफ इश्यूज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में, जिनसे बहुत सारी चीजें अभी रिसॉल्व हुई है. कुछ कुछ चीजों का सॉल्यूशन अभी भी हमको नहीं मिल पाया है प्रॉपर, क्योंकि जो अटैकर्स है वो अटैक करते ही है. कई बार अटैकर्स जो आपके होते हैं, दो टाइप के अटैकर्स होते हैं, ठीक है, हम ये भी चीज एक पॉइंट जान लेते हैं कि जो हमारे अटैकर्स होते हैं वो दो टाइप के अटैकर्स होते हैं, एक्टिव अटैकर और एक पैसिव अटैकर. एक्टिव अटैकर क्या करता है कि वो जो रहता है सारा डेटा को लेके, जैसे ये जो मैंने बताया ये एक्टिव अटैकर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव अटैक. डेटा भेजा तो आपको क्या लगा कि डेटा रिसीवर के पास चले गया, पर उसे किसी थर्ड पार्टी ने पढ़ लिया और जो डेटा है हमारा लॉस हो गया, ठीक है. ये होता है एक्टिव अटैकर, जिसमें आपको डेटा का या आपके किसी भी चीज का हार्म हो, आपको नुकसान हो, तो वो जो चीज रहती है वो एक्टिव अटैक में आती है. एज वेल एज जो पैसिव अटैक्स रहती है, पैसिव अटैक्स में क्या होता है कि यहाँ पे पर्सन है, ये आपने डेटा भेजा तो गया इसी के पास, बट जो ये सी जो है ये इस डेटा को सिर्फ पढ़ता है, सिर्फ पढ़ के उसने छोड़ दिया. मीन्स वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाता, बस जो डेटा रहता है उसको वो पढ़ के छोड़ देता है, और डेटा को पढ़ के वो कुछ भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना वो उस डेटा को एक्सेस करके चेंज करता है, ना ही वो और कुछ करता है, वो सिंपल से डेटा रीड करता है और छोड़ देता है. मीन्स किसी कोई यदि अटैक मैंने जो आपके सिस्टम को हार्म ना करना चाहिए या आपके डेटा को नुकसान ना पहुंचाना चाहिए, वो सिर्फ पढ़ ले चीजों को और उसके बाद उस चीज को वो वैसे ही छोड़ दे. तो ये आपका आता है पैसिव अटैक. तो ये आपके दो टाइप के अटैकर्स होते हैं. अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स. ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, अभी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ा, प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में. अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. ट्रेंड्स मैंने क्या होता है, चलन. मीन्स आईटी इंडस्ट्री में क्या चलन में है अभी, ठीक है. तो जैसे कि हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी इन मॉडल इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट इज ऑलरेडी चेंजिंग डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड वर्किंग एक्टिविटीज इन कंपनी अराउंड द वर्ल्ड. मीन्स
कंप्यूटर में बहुत टाइम से वर्क चल रहा है, कंप्यूटर में अराउंड मैंने बहुत टाइम से काम चल रहा है। फर्स्ट कंप्यूटर कब बना था? 1956 में, उसके बाद 1955 में, उसके बाद से आपके कंप्यूटर में काम चल रहा है। बहुत पहले भी कंप्यूटर का इन्वेंट हुआ था, अबेकस के रूप में कुछ कुछ चीजें बनी थी कैलकुलेशन के लिए, जो कंप्यूटर का पहले सबसे पहले मेन यूज था कैलकुलेशन के लिए था। तो मीन्स कंप्यूटर का जो है बहुत पहले से चलन चलते आ रहा है। तो मीन्स अब जब इतना चलन चल रहा है, कंप्यूटर इतना ट्रेंड में है, तो कंप्यूटर को उतना ही उससे नुकसान भी है जितना किसी चीज का फायदा है। तो यही नुकसान में हमारी जो डेटा लॉसेस होती है, जो हमको प्रॉब्लम्स आती है, वो हमारी उसके प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। देन फॉर द लास्ट 30 इयर्स कंप्यूटिंग कॉस्ट हैव ड्रॉप्ड अ फैक्टर ऑफ 10 ईच डिकेड एंड द कैपेसिटी हैज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ लास्ट 100 ईच डिकेड। मीन्स जो कंप्यूटर का जो कंप्यूटिंग का जो कॉस्ट है, मीन्स जो चीजें हम खरीद परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये जो लास्ट 30 ईयर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है एक वर्ल्ड में। आजकल हर एक एक घर में कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये सारी चीजें आपको हर एक एक इंडिविजुअल घर में इनमें से कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएगी। तो जो लास्ट 30 ईयर से जो कंप्यूटर की ट्रेंड्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके कारण जो कंप्यूटर में जो हमारे कंप्यूटर में जो क्राइम हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम यदि बात करें, जैसे कि बैंक है, बैंक में चोरी होती है, तो बैंक में पैसों की चोरी हो जाती है या डिटेल चले जाते हैं, तो वैसे क्या होता है कंप्यूटर में हमारी बहुत सारी पर्सनल चीजें रहती है। अब हम कंप्यूटर में आजकल डिटेल रखते हैं सारी चीजें, सब लोग जानते हैं या हमारा कुछ और भी पर्सनल डेटा रहता है, तो क्या होता है इसकी सारी चीजें लॉस हो जाती है, हमारा डेटा हार्म करता है। तो यही है कि जितना ज्यादा कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के यूजेस बढ़ रहे हैं, उतनी ही ज्यादा उसकी क्राइम भी बढ़ रही है। देन देयर आर सम ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वन ऑफ देम इज इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ मशीन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर हेल्पफुल। मीन्स क्या बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारे आपके पास आईटी में ट्रेंड्स है, उसके बाद उसमें सबसे पहला क्या है, इंक्रीजिंग कैपेबिलिटीज। इंक्रीजिंग कैपेबिलिटी मीन्स आपके कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता को इतना इंक्रीज कर दे रहे हैं आज कंप्यूटर के जो मशीन्स आ रहे हैं, जो कंप्यूटर की मशीन्स बन रही है उसमें इतना ज्यादा हेल्पफुल कर दिया कि हमारी जो हम हर चीज है घर बैठे बैठे कर सकते हैं अपने नेचुरल लैंग्वेज में। इतना यूजर फ्रेंडली बना लिया है कि कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है, हम जब डेटा को उसमें डालते हैं, मीन्स हमने जब इनपुट देते हैं, तो वो तुरंत उस डेटा को प्रोसेस करता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज करता है, सारी चीजें करता है और हमको आउटपुट कुछ सेकंड्स में वो प्रोवाइड कर देता है। मींस जो मशीन्स जो बन रही है, उस कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो गई है आज के डेट में। देन आईटी सर्विसेज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। और क्या चाह रहे हैं अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होता है जो हमारी आईटी कंपनीज जो काम कर रही है वो और ज्यादा स्पीड से करे। एक ह्यूमन के ब्रेन के जैसे कंप्यूटर सोचने लग जाएगा, तो उससे जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो अभी जितनी है उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब ट्रेंड्स अभी आईटी कंपनीज के चल रहे हैं, आईटी इंडस्ट्रीज के ये सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं कि कैसे हम कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को टाइम टू टाइम डे टू डे लाइफ में हम इंक्रीज कर लें। देन दिस वुड बी एक्सपेक्टेड सिंस डिमांड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू ग्रो मेनी सेक्टर इंक्रीजिंग एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी टू मोर एंड मैनी पीपल। वायरलेस नेटवर्क्स आर रैपिडली कनेक्टिंग द वर्ल्ड इन मैनी वेज एट लो कॉस्ट। प्रपोज सैटेलाइट वेंचर्स विल प्रोवाइड डेटा एंड वॉइस कनेक्शन। मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। तो ये सारी चीजें जो है हमारी इंक्रीज होती जाती है। देन द मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड एंड मेंटेन। मीन्स जो अभी चल रहा है, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, इतना तो चल ही रहा है। हम यहाँ आज कंप्यूटर से बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं और ये क्या हो रहा है, डे बाय डे कुछ नया चीज आ जा रहा है, हर दिन कुछ नया हम इन्वेंट करते जा रहे हैं कंप्यूटर के
टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में हम हर दिन कुछ नया बना रहे हैं कि हम इससे कैसे कैसे अपनी चीजों को और इजी लाइफ, हम अपने जो डेली लाइफ है हम उसको कितने इजीली सॉल्व कर ले। तो हम डे टू डे में बहुत ज्यादा इजी से हम कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑन अ चिप विल हेल्प गाइड मीन्स हमारे जो मिलिट्री है, ऑटोमोबाइल्स है, वेपन्स है और कैलकुलेटर्स है, हैंडहेल्ड डिवाइस है, प्लांट ऑफ है, चिप्स है, ये सारी चीजों से क्या हो रहा है, हमारा जो डेली एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हमको बैठे बैठे बहुत आराम से हम सारी चीजों को वर्क कर लेते हैं। आप बैठे बैठे मोबाइल में गेम्स खेल लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है, आप स्टडी से रिलेटेड चीज भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अभी ट्रेंड में है कि आप कैसे चीजें पढ़ सकते हैं, आपका कैसे सब चीज आपका कम्युनिकेट इजिली, आपको डेली लाइफ में आपको बहुत चीजें आपको हाथों में मिल जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर में स्टडी कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं अपने मोबाइल में। तो जो सारी चीजें हैं वो आपकी बहुत इजिली सॉल्व हो जाती है। तो ये हमारा था प्रॉब्लम्स एंड जो ट्रेंड्स था आईटी इंडस्ट्रीज के, जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे और जो ट्रेंड्स थे, ये आज हमने पढ़ा, प्रॉब्लम, इश्यूज और ट्रेंड्स। कल हम क्या देखेंगे कि प्रॉब्लम्स तो है तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं, जैसे कि कंप्यूटर की क्राइम बढ़ रही है, डेटा लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीजों का जो सॉल्यूशन होगा उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके सॉल्यूशंस है। थैंक यू।